We were looking at John 14 and verse 12. हम लोग यहूना का 14 अध्याय उसका 12 पद देख रहे थे. Where we saw that if we believe, we can do the same works that Jesus did. और हम वहां पर देख रहे थे कि अगर हम विश्वास करते हैं तो वे ही कार्य हम भी कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने किए. And we must look at the earthly life of Jesus. और ये जरूरी है. Follow his example. और ये जरूरी है कि हम यीशु मसीह के इस पृथ्वी के जीवन को देखें और उसको हम अनुकरण करें. How he lived on earth, especially the first 30 years. किस तरीके से वह इस पृथ्वी पर जिए, खास करके उन पहले 30 सालों में. Because the last 3.5 years he had a very unique ministry which all of us don't have. क्योंकि आखिरी के जो अंतराल था 3.5 साल का, वह उनके पास एक खास किस्म की सेवकाई थी जो आप और मेरे पास नहीं है. Because when Jesus said, "Follow me," he was not asking us to follow him in his ministry, but in his life. जब यीशु मसीह कहते हैं कि आप मेरे पीछे हो लो, तो वह अपनी सेविकाई के विषय में नहीं कहते, वह अपने जीवन के विषय में कहते हैं कि आप मेरा पीछा करो. Every Christian must follow Jesus Christ. हर एक मसीह को यीशु मसीह को पीछा करना जरूरी है. He said, for example. और उसने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा है. In Luke chapter 9, he said. लुका का 9 अध्याय में वह कहता है. Verse 23. 23 पद में. If anyone wants to come after me or follow me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, तो वह अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले. So we see here that God, the Lord wants us all to follow him. और देखिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हम सब उसके पीछे चलें. But we can't all follow him in his ministry. लेकिन हम उसकी सेवकाई का पीछा नहीं कर सकते. Can all of us feed 5,000 with 5 loaves? क्या हम में से कोई भी जन जो है 5 रोटियों के द्वारा 5,000 को खिला सकते हैं? Can we all walk on the water? क्या हम लोग पानी के ऊपर चल सकते हैं? Can we all heal lepers? क्या हम सारे कोढ़ियों को शुद्ध कर सकते हैं? So many things in Jesus' ministry. It was unique. That was his ministry. और बहुत सारी मसीह के जो सेविकाएं थी वो एक खास हैं, अलग किस्म की हैं. He died for the sins of the world. Who can do that? और वह जगत के पापों के लिए मारा गया, ऐसा और कौन कर सकता है? That is a ministry. और ये सेविकाई है. The big mistake that many people make. और बहुत सारी गलतियां जो लोग करते हैं. Is they think Jesus told us to follow him in his ministry. कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो उसने सेविकाई की मुझे उसके पीछे चलना है. You go and heal the sick. कि आप जाओ और बीमारों को चंगा करो. They teach that every believer can raise the dead. और वे सिखाते हैं कि हर एक विश्वासी जो है मुर्दे को जिंदा कर सकता है. That is absolute nonsense. Nobody can do that. और ये बहुत गलत बात है कि हर कोई जन ऐसा नहीं कर सकता. It's a ministry that Jesus had. और यह सेविकाई थी जो यीशु को मिली थी. We have to follow him in his life. और हमें उसके जीवन का अनुकरण करना है. See, the apostle Paul told the Corinthians. और देखिए कुरिन्थियों के अंदर जो पौलुस प्रेरित है क्या कहते हैं. 1 Corinthians in chapter 11. पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में. He says in verse 1. Verse 1. उसके पहले पद में. Be followers of me as I am of Christ. तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं. That means the way Jesus walked, I am also walking. Paul says. पौलुस कहता है कि जैसा यीशु मसीह चले मैं वैसे ही चलता हूँ. Now you also walk like me. और आप भी मेरे समान ही चलिए. He was an apostle. और वह एक प्रेरित था. Was he telling all the Corinthians to be apostles? क्या वह कुरिन्थियों को ऐसा कह रहा है कि आप सभी प्रेरित बनो? He was caught up to the third heaven, Paul. पौलुस जो है वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया. Is he telling all the Corinthians also to come there? और वह क्या कुरिन्थियों को कहता है कि तुम भी ऐसे ही करो? Paul raised the dead. पौलुस ने मरे हुए को जिलाया. एंड प्लांटेड चर्चेस. और कलीसियाओं का निर्माण किया. इज ही टेलिंग द कुरिन्थियंस आल्सो टू रेज द डेड एंड प्लांट चर्चेस? क्या वह यह कहना चाहता है कुरिन्थियों से कि no. आप भी उसी तरीके से कलीसियाओं का निर्माण करो? सो व्हेन द बाइबल सेज वी कैन डू द वर्क्स दैट जीसस डिड. और जब शास्त्र ऐसा कहता है कि हम भी वे कार्य करेंगे जो यीशु मसीह ने किए. इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट हिज मिनिस्ट्री, इट्स टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ. तो वह उसकी सेवकाई के विषय में बातें नहीं करता, वह उसके जीवन के विषय में बातें करता है. लेट मी शो यू वन वर्स अबाउट हिज लाइफ. और मैं एक और उदाहरण, वचन का उदाहरण आपको देता हूं उसके जीवन के लेकर. एक्स चैप्टर 10. प्रेरित उसका 10 अध्याय. वर्स 38. और उसका 38 पद. It says here that Jesus of Nazareth was anointed with the Holy Spirit and with power, and he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.
कि परमेश्वर ने किस प्रकार यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यीशु हर जगह भलाई करते और शैतान के सताए हुए सब लोगों को स्वस्थ करते रहे क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। So what are the two things he did? और क्या दो बातें उन्होंने की? He went about doing good. कि वह भलाई के काम करते रहे। Can you do that? क्या आप कर सकते हैं? Is there anybody here who says I can't do good to other people? आप यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहेगा कि मैं दूसरे के साथ भलाई नहीं कर सकता? Jesus in his whole life, he went about doing good. यीशु मसीह ने अपना सारा जीवन बिताया दूसरों की भलाई में। Long before he was 30 years old, in those 30 years also, he did a lot of good in Nazareth. और इससे पहले कि वह 30 साल का हुआ और 30 साल के होने के बाद भी उसने यही कार्य किया। So, even if you can't raise the dead, you can do good to people. और भले ही आप मुर्दों को जिंदा न कर सकें, लेकिन आप भलाई तो कर सकते हैं। That's what it means to follow Jesus. और इसी का यह मतलब है कि यीशु मसीह के पीछे चलना। To do good. कि भलाई करना। You can do good to your husband. आप अपने पति के साथ भलाई कर सकते हैं। To your wife. अपने पत्नी के साथ। To your neighbors. अपने पड़ोसियों के साथ। To your enemies. अपने दुश्मनों के साथ। To those who do evil to you. और जो आपसे दुष्टता से चलते हैं उनके साथ। We can do good to everyone. और हम हर एक के साथ भलाई कर सकते हैं। Think of that man who came to capture Jesus. और देखिए उस आदमी के विषय में जो यीशु मसीह को पकड़वाने आया। Peter cut off his ear. और पतरस ने उसके कान को काट डाला। Jesus bent down and picked up the ear and healed it, put it back. यीशु मसीह नीचे झुकते हैं, उसके कान को उठाकर उसके कानपट्टी पर रखते हैं और वह जुड़ जाता है। Who did he do good to? उसने किसके साथ में भलाई की? The chap who came to kill him. जो उसे मारने को आया था। What an example! और कैसा यह मिसाल है? We find it difficult to do good even to somebody who has spoken some evil about us. हम उसके साथ ही भलाई नहीं कर पाते हैं जिसने कुछ हमारे विषय में बुरा कह दिया हो। Jesus went to do good to those who came to kill him. लेकिन यीशु मसीह तो उससे भी भलाई करता है जो उसको मारने के लिए आया था। So when we talk about following Jesus, it's very often just empty words. और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो when we say that. जब हम कहते हैं कि ये खाली शब्द नहीं, it must be in our life. तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। The other thing he did was delivering people who were oppressed by the devil. और दूसरी चीज तो उसने की, उन लोगों को मुक्त किया जो शैतान के द्वारा सताए हुए थे। See, around us are thousands of people who are oppressed by the devil. हमारे अड़ोस पड़ोस में हजारों ऐसे लोग हैं जो शैतान के द्वारा सताए गए हैं। We have to set them free. हमें उनको आजाद कराना है। When your children behave badly, जब आपके जो बच्चे हैं गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, we have to deliver them from that habit. तो हमें उस आदत से उन्हें छुटकारा देना रहता है। The desire to fight and quarrel with people is from the devil. और हमें उसी तरीके से उनकी आदत से छुटकारा देना होता है जैसे वे शैतान से छुटकारा पाएं। So around us are so many people who are influenced by the devil. और हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे काफी लोग हैं जिन जो शैतान से प्रभावित हैं। We must do what we can to set them free. और हम जो कुछ कर सकते हैं उनको बंधन से छुटकाराने के लिए वह करना है हमें। So we can do the works that Jesus did if we are filled with the Holy Spirit. और हम वह कर सकते हैं कार्य अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हों। But Jesus was very patient for 30 years. लेकिन यीशु मसीह जब 30 साल तक थे उनके पास बहुत धीरज था। It says in Hebrews chapter 12. और इब्रानियों 12 के अंदर वे ऐसा कहते हैं। Hebrews chapter 12 it says that we are to run this race, verse 1 and 2, looking at Jesus, the author and finisher of our faith. और इसी उसका verse 1 and 2. पहले और दूसरे पद में कहता है कि व्यवस्था आने वाले अच्छी चीजों का केवल प्रतिबिंब है, उसका असली रूप नहीं। No, chapter 12. Sorry. उसका 12 अध्याय उसका पहला और इसी कारण जबकि हम गवाहों के इतने बड़े बादलों के झुंड में गिरे हुए हैं तो आओ हम हर एक बाधा डालने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़ें। आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें जिसने अपने सम्मुख रखे हुए आनंद के लिए क्रूस का दुख सहा। यीशु ने उसकी लज्जा की कुछ चिंता न की और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए। See, Jesus went through the life taking up a cross. यीशु मसीह ने उस जीवन को जिया उस क्रूस को उठाते हुए। Every day. हर दिन। And then finally reached the throne of God. जब तक कि वह आखिरी तक परमेश्वर के उस सिंहासन तक पहुंचते। So we got to go the same way. और हमें भी उसी तरीके से आगे बढ़ना है। This is to do the works that Jesus did. और यही है वह कार्य करना जो यीशु मसीह ने किए। The Bible says, for example, never to complain or murmur.
और बाइबल ऐसा शास्त्र ऐसा कहता है कि परमेश्वर उनकी नहीं सुनता जो केवल बुड़बुड़ाते हैं. ऑलवेज गिव थैंक्स, हमेशा से ही धन्यवाद दीजिए. बी पेशेंट विद एवरीबॉडी, और हर एक के साथ में आप धीरज से रहें. How patient Jesus had to be with all those irritating brothers and sisters he had at home. और उसके पास जितने भी भाई बहन थे जो उसे हमेशा परेशान करते थे, किस तरीके से संयम के साथ वे उनके साथ में व्यवहार करते थे. You know, we are surrounded by people who make us very impatient. और आप देखिए, हम ऐसे लोगों के साथ में घिरे हुए हैं जो हमारे संयम को खोने पर मजबूर करते हैं. They will not change. वे बदल नहीं सकते. But we can change. लेकिन हम बदल सकते हैं. And one mark that we have changed is that we become more patient with them. और ये एक चिन्ह है कि हम बदले, ये कि इससे कि हमारे पास और धीरज हो. Many of you have been believers for 15-20 years. आप में से बहुत विश्वासु ऐसे हैं जिनको 15 और 20 साल हो चुके हैं. If you want to know whether you have grown spiritually, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप आत्मिक दिशा में ऊंचे उठे हो, ask yourself how much patience, how much have you become patient with other people? तो अपने आप से पूछिए कि कितना आपके पास संयम है दूसरे को लेकर, दूसरे व्यक्ति को लेकर. Irritate you and trouble you, जो आपको परेशान करते हैं और आपको सताते हैं. And who you used to be irritated with once upon a time. और फिर जो एक यहाँ कई कई बार जो इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि हम परेशान होते हैं उनके But द्वारा. now you have become more patient with them. लेकिन अब जो है हम उनके विषय में धीरज रखते हैं. Then you have grown spiritually. और फिर अब ऐसी दशा में आप आत्मिक दशा में बढ़े हैं. If you are still as irritated with them as you were 20 years ago. लेकिन आज भी आप उनसे ऐसे ही खफा होते हैं जैसे 20 साल पहले खफा होते थे. What shall we say? तो फिर हम क्या कहें? You are still sitting in the first standard. तो फिर आप अब तक पहली कक्षा में बैठे हैं. How long are you going to sit there? कब तक आप उस वहां पर बैठे रहेंगे? God wants us to grow. परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें. I'm amazed at Jesus' patience with people. और यीशु मसीह का जो लोगों के प्रति जो संयम था, उसके देखकर मैं अचंभा करता हूँ. He even with his disciples who were so slow in learning many things, he was very patient with them. उसके शिष्यों को भी लेकर जो बहुत धीमे थे सीखने के विषय में, वह संयम बरतता था. I used to think about how Jesus was when he was a young man. मैं सोचता हूँ कि कैसा यीशु मसीह जवान अवस्था के अंदर रहता होगा. For so many years, 15 years at least, he used to go and sit in the synagogue in Nazareth every Saturday. और हर शनिवार को जब वह उस मंदिर के अंदर बैठा रहता होगा. They had a synagogue in Nazareth where all the Jews would meet on Saturdays. और शनिवार को के उस भवन के अंदर, जहाँ मंदिर के अंदर, जहाँ पर वे मिलते रहते रहे हर शनिवार को. And Jesus is sitting there. और वहीं पर यीशु भी बैठते थे. And all these boring Pharisees are going on with their long sermons. और ये सारे जो हैं, जो फरीसी हैं, उबाऊ हैं, जो केवल वही प्रचार करते रहते हैं. He would sit there listening to all these boring sermons. और उसी किस्म के जो उबाऊ जो प्रचारक को ये फरीसियों को ये सुनता रहता था. And he would go home. और लोग घर जाते थे. And next week he would again come and sit listening to all those boring sermons. और फिर अगले सप्ताह भी उनके सारे जो उबाऊ प्रचार है उसे सुनना पड़ता था. He never said a word. लेकिन उसने एक शब्द भी कहा नहीं. Because his father said, just keep quiet. क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा था कि केवल शांत रहना. This boring Pharisee will teach you some patience. और ये उबाऊ जो फरीसी हैं तुम्हें कुछ न कुछ सबक सिखाएंगे. So he sat quietly. और इसलिए वह चुप रहा. One day when he was 30 years old, God said, now get up and speak. और एक दिन जब वह 30 वर्ष का था, तब परमेश्वर ने कहा कि अब उठ और प्रचार कर. He said, I'm well pleased with you. और वह परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे बहुत आनंदित हूँ. Do you have a great desire in your life to hear those words from Jesus when he comes again? क्या आप अपने आप के अंदर एक ऐसी इच्छा रखते हैं ऐसे शब्दों को परमेश्वर के द्वारा सुनने के लिए? Where he can say, you went through so many difficult situations, but you never grumbled or complained. वह जब कहे आपसे कि आप बहुत सारे कठिन परिस्थितियों में गुजरे तो सही, लेकिन आप कभी भी मेरे विरुद्ध बुड़बुड़ाए या कुड़कुड़ाए नहीं. You always trusted me that you would, that I would never allow you to be tested beyond your ability. और आप इस बात में संतुष्टि रखते रहे कि मैं आपको संयम के बाहर कभी भी आप दुखों में रहने नहीं दूंगा. I'm so happy that you had such faith in me. और मैं खुश हूँ इस बात से कि आपका भरोसा मेरे ऊपर इतना है. और Will he say, I'm so disappointed in the way you lived? और केवल वह ऐसा ही कहेगा कि मैं बहुत निराश हूँ कि जिस तरीके से आप जीवन जीते हैं. I'll tell you, I want to hear the Lord say, I'm pleased with the way you lived on earth.
और मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि मैं सुनना चाहता हूं प्रभु मुझसे कहे कि मैं प्रश्न हूं आपसे. I'm not so worried whether the Lord thinks my sermons are very good. मैं इस बात से चिंतित नहीं होता कि प्रभु मुझसे कहे कि तुम्हारे जो उपदेशक हैं वे अच्छे हैं या नहीं. I want to know whether he thinks I'm patient with people. मैं जानना चाहता हूं कि वह उसके पास इस बात की जानकारी हो कि क्या लोगों के प्रति मेरे पास धीरज है या नहीं. Because sermon is a gift God gives to some people. क्योंकि प्रचार करना जो है वह परमेश्वर का एक वरदान है जो प्रभु देता है. I can't take any credit for that. और मैं इस बात के लिए अपने आप को कोई महिमा नहीं देना चाहता. Special gift God gives. It's a special gift God gives. यह तो एक खास किस्म का तोहफा है जो प्रभु देता है. Patience is something we have to work with in our life. लेकिन धीरज और संयम ऐसी चीज है जो हमें अपने आप के अंदर कार्य करना है. So I can do the works that Jesus did. तो जो यीशु मसीह ने कार्य किए मैं भी कर सकता हूँ. I don't believe Jesus ever grumbled or complained even once in his whole life. और मैं नहीं समझता कि यीशु ने कभी भी अपने घर के अंदर किसी रात में बुड़बुड़ाया कुड़कुड़ाया होगा. 30 years he lived without grumbling. और बिना कुड़कुड़ाए उसने 30 साल गुजारे. Whether his mother's food was good or bad, he never grumbled. उसके माँ का बना हुआ खाना अच्छा था या बुरा था उसने कभी भी इस विषय में कुड़कुड़ाया नहीं. Never in the carpenter's shop. और कभी बड़े की दुकान में भी. I want to reach that goal. और मुझे उस मकसद तक उस एम तक पहुंचना है. Where I never grumble about anything in my life. कि मैं अपने जीवन में किसी भी बात के विषय में ना कुड़कुड़ाऊं. Because I have a great passion in my life to become like Jesus. क्योंकि मेरे पास एक बड़ी इच्छा है कि मैं यीशु के समान बनूं. Do you have that passion in your life? क्या आप ऐसी जील से जीते हैं? Then every year you should be getting closer and closer to that. तो फिर हर साल जो है आप यीशु मसीह के और नजदीक पहुंचते हैं. See, it says in Romans chapter 8. और रोमियो का 8 अध्याय देखिए क्या कहता है. Verse 29. और उसका 29 पद. That God has predestined us to be conformed to the image of His Son. जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, और वे उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि उसका पुत्र बहुत भाइयों में ज्येष्ठ ठहरे. So, here it says the English word is predestination. That means your destination is already written down. और इंग्लिश में लिखा गया है कि जो हमारे लास्ट जो मुकाम है वो पहले से ही तय किया हुआ है. It's like you know if you get a train ticket, it's already written there to Delhi. और जैसे हमारे पास ट्रेन की टिकट हो जिसके अंदर लिखा हुआ हो हमारा मुकाम क्या है वो दिल्ली है. So when you go to the station, you look for the Delhi train. और फिर आप जब स्टेशन पे जाते हैं तो आप अपनी ट्रेन देखते हैं जो दिल्ली जा रही है. And if you got into the right train, और अगर आप सही रेल के अंदर चढ़े हैं, according to the destination written on your ticket, और उसी मंजिल के अनुसार जो आपके टिकट के अंदर दर्शाया गया है, every hour your train will get closer and closer to Delhi. तो हर घंटे आपकी जो ट्रेन है वो और दिल्ली के नजदीक पहुंचती जाएगी. If it is going further and further away from Delhi, you're in the wrong train. और अगर ये दिल्ली से हर घंटा और पीछे होती जा रही है तो आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं. Then what will you do? और ये ऐसा हम करते हैं. Then what will you do? तो हम क्या करें? You get off that train. हमें उस ट्रेन से निकलना है. And say, get into the right train. और सही ट्रेन में चढ़ना है. Okay, now apply that to your life. और इसी को अपने जीवन में अपनाएं. When you were born again, जब आपका नया जन्म हुआ, the Lord gave you a ticket. परमेश्वर ने आपको एक टिकट दिया. The destination is written there. और उसके अंदर आपका मुकाम मंजिल लिखा हुआ था. And the destination is not heaven. It's not heaven. और मंजिल जिसमें लिखी थी वह स्वर्ग नहीं लिखा you था. You ask the average Christian, what is your destination? He'll say heaven. अगर आप ज्यादातर मसीहों से पूछेंगे कि आपका जो मुकाम है क्या है, वह कहेंगे स्वर्गी. He said, where does it say that in the Bible? Or ask him, where does it say in the Bible? और आप उससे पूछिए कि शास्त्र में कहां पर दर्शाया गया है? No, he heard it from some preacher. उसने केवल किसी प्रचारक से सुना ऐसी बात. I'll show you in the Bible what your destination is. और मैं आपको बताना चाहता हूं शास्त्र से कि आपकी मंजिल क्या है. Romans 8:29. रोमियो 8 उसका 29. Your destination is to become like Jesus Christ. आपकी मंजिल यह है कि आप यीशु मसीह के समान बने. Once you understand what your destination is. जब आप समझ पाते हैं कि आपकी मंजिल क्या है, say, hey, I should be in the train which takes me closer and closer to that destination every day. तो आप कहते हैं कि मैं उसी ट्रेन में बैठा हुआ हूं जो हर समय हर घंटे मेरी मंजिल के और करीब ले जाती है. I want to be in a church where I'm challenged to become like Christ more and more every time I come together. कि मैं उस कलीसिया में रहना पसंद करूंगा कि जो मुझे यीशु के समान बनने के लिए हर दिन हर प्रति घंटा मुझे और उसके समान बनाने की कोशिश करे. I don't want to be in a church that's only telling me how to go to heaven. और मैं उस कलीसिया में केवल नहीं रहूंगा जो मुझे केवल इतना बताए कि कैसे मैं स्वर्ग जा सकता हूं. I want to be in a church which is taking me to the right destination.
और मैं उस कलीसिया में रहना पसंद करूंगा जो मुझे बताए कि मेरी मंजिल सही है या गलत। Because my destination is not heaven, it is becoming like Jesus Christ. और मेरी मंजिल स्वर्ग जाना नहीं, लेकिन मेरी मंजिल यीशु के समान बनना है। I'll tell you quite honestly, I'm not very particular about going to heaven. और अपने आप से पूछिए, क्या हम इतने इच्छुक नहीं है कि क्या स्वर्ग में जाएं? But I have a great desire to become like Jesus Christ. लेकिन फिर मेरे अंदर एक बड़ी जील है कि मैं यीशु के समान बनूं। Like if I go to heaven, life will be very miserable if I don't become like Christ. और अगर मैं स्वर्ग में चला गया तो मेरा जीवन और बदतर बन जाएगा अगर मैं यीशु के समान नहीं हूंगा तो। But if I become like Christ, my life will be like heaven even here on this earth. और अगर यीशु के समान मैं बन गया तो मेरा जीवन स्वर्ग के समान इस पृथ्वी पर ही हो जाएगा। I don't have to wait till I die. और मुझे उस अवस्था तक रहने की जरूरत नहीं कि जब तक मैं मरूं। My home can be like heaven. मेरा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। My life can be like heaven. मेरा जीवन ही ऐसा हो जाएगा। My church can be like heaven. मेरी कलीसिया ही स्वर्ग हो जाएगी। That's the type of home and church we must build. और ऐसा ही हमारे घर और कलीसिया जो है जिसके विषय में हम करेंगे। I'll tell you honestly, I'm not waiting to go to heaven. और मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्चाई से कि मैं इंतजार नहीं करता स्वर्ग में जाने का। I want to have a heavenly life right now. क्योंकि मेरे पास अभी ही स्वर्गीय जीवन है। Because Jesus said, John the Baptist said, the kingdom of heaven has come near. क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मादाता कहते हैं कि स्वर्गीय राज्य जो है वह निकट आ गया। Jesus said, the kingdom of heaven is near. और यीशु ने भी कहा स्वर्गीय राज्य निकट है। And when the day of Pentecost, the kingdom of heaven came to this earth. और उस पिंतेकोस्त के दिन जो था वह जो स्वर्गीय राज्य था वह उतर आया। Heaven came down to earth. स्वर्ग जमीन पर उतर आया। So people ask, what is the mark that you are filled with the Holy Spirit? और लोग पूछते हैं कि इस बात का क्या चिन्ह है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं? Well, your life will become more heavenly. कि आपका जीवन और स्वर्गीय तरीके से हो जाए। Because the Holy Spirit came to bring heaven to this earth. क्योंकि पवित्र आत्मा इसके लिए आया कि वह स्वर्ग को इस जमीन पर ले आए। Your home will become more heavenly. आपका जो घर है वह और स्वर्गीय तरीके से बदल जाएगा। Your children will have a memory. Of a home that was a little foretaste of heaven. और आपके बच्चों के जहन के अंदर ये यादगारी रहेगी कि किस तरीके से स्वर्ग रहता है आपके घर के अंदर। All our children will one day grow up and leave our home. All our children will one day grow up and leave our home. हम में से हर एक के बच्चे एक दिन बड़े होंगे और घर को छोड़ देंगे। My children have all grown up and left their home, left our home. They have set up their own homes. और मेरे बच्चे भी बड़े हुए हैं और अपने घर को छोड़के उन्होंने अपना अलग घर बसा लिया है। I want to ask myself, what memory do my children have of the home they lived in for 18 years, 20 years? फिर मैं पूछता हूँ मेरे खुद से कि मेरे बच्चों के पास ऐसी कौन सी यादगारी होगी जिस घर के अंदर वे 18 वर्ष उन्होंने बिताए? They must have a memory of heaven. उनके पास स्वर्गीय घर की एक झलक होगी। Our children grow up so quickly. हमारे बच्चे बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। Then they have to go to college. और जब वे कॉलेज जाते हैं। Or they go to get married. और जब उनकी शादी होती है। And then they are gone. और फिर वे चले जाते हैं। What memory do they have of your home? और आपके घर की जो यादाश्त जो है क्या उनके पास रह जाती है? I hope it's a memory of a little taste of heaven on earth. मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो स्वर्ग के विषय में जो यादगिरी है वह उनके पास रहे। It's no use your giving them a lot of money and a lot of earthly things. इस बात के कोई मायने नहीं रखते हैं कि आप उन्हें बहुत सारे पैसे देते हैं या ऐसी चीजें देते हैं। To say, oh, my parents could buy so many things for me. क्या वो कह सकें कि मेरे माता पिता ने तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें बनाई? They were so rich, they could give me a big home to live in. कि वे बहुत धनवान है और मुझे रहने के लिए अच्छा बड़ा मकान दिला सकते हैं। Oh, we had a car. और हमारे पास कार होगी। But our home was like hell on earth. लेकिन जमीन पर हमारा घर एक नरक के समान होगा। Oh, that's sad. That is really sad. और यह बहुत ही दुखित है। But that is how many Christian homes are. लेकिन बहुत सारे मसीह घर ऐसे ही हैं। It's far better to live in a little hut and have your home like heaven on earth. इस बात से यह अच्छा है कि हम छोटे से झोपड़े के अंदर रहें, लेकिन वह जो हमारा झोपड़ा रहेगा वह स्वर्ग के समान हो। It doesn't matter if you can't buy all those things for your children because you don't earn so much money. और इस बात से कोई मायने नहीं रखते कि आप ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं और आप अपने बच्चों के लिए वह सारी सुविधाएं नहीं ला पाए। There were so many things we could not buy for our children because we just didn't have the money. और हमारे पास पैसे नहीं है इसके लिए बहुत सारी चीजें हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते। But we wanted to make our home a little foretaste of heaven for our children. लेकिन आप अपने बच्चों के लिए अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। So, but our goal is to become more and more like Christ. लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम और यीशु के समान बनते रहें। So this is a good question to ask yourself. और यह एक अच्छा सवाल है जो आप अपने आप से कर सकते हैं। In the last one or two years, के आखिरी के एक या दो साल में, have you become more like Jesus? क्या आप और ज्यादा यीशु के समान बने हैं? Now you should not answer that question yourself.
और आप इस बात का खुद जवाब न दें। Ask your wife. अपने पत्नी से पूछें। And ask her to tell you the truth and not to be afraid to tell you the truth. और आपकी पत्नी आपको सच बोलने के हिम्मत रखते हो ना कि झूठ बोलने के। And ask your husband. आप पत्नी अपने पति से पूछिए। Ask him to tell you the truth. और उसे कहें कि सच बयान करें। Ask your brothers. आप अपने भाई से पूछें। Do they see a more heavenly person in you? क्या वाकई में आपके अंदर और स्वर्गीय मनुष्य को वे देख पा रहे हैं? Not perfect. सिद्धता भले ही ना हो। But a little more Christ-like than they saw you 2 years ago. लेकिन 2 साल पहले से ज्यादा मसीह में बना हुआ व्यक्ति आपके अंदर वो देख पाए। A little more gracious. और ज्यादा दयावान मनुष्य। A little more humble. और ज्यादा नम्र व्यक्ति। A little more holy. और ज्यादा पवित्र व्यक्ति। A little more loving. और ज्यादा प्यार करने वाला। A little more patient. और ज्यादा धीरज रखने वाला। If that is true, और अगर यह सच है, then you are on the right train. तो आप सही ट्रेन के अंदर सवार हैं। You are going in the right direction. आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। But if it is not true, लेकिन अगर यह गलत है, you better get off the train you are walking, you are sitting in. तो जिस ट्रेन के अंदर आप सवार हैं, आपको वह छोड़नी है। Something is wrong. कुछ तो गलत है। You may have so much knowledge in your head. आपने अपने दिमाग के अंदर बहुत सारा ज्ञान रखा है। The Lord is not able to lead you closer to your destination. परमेश्वर आपको आपकी मंजिल के और ज्यादा ले जाने में अगुवाई नहीं कर पा रहा। So when we think about building the body of Christ, when you think about building the body of Christ, जब आप सोचते हैं मसीह के देह को और बनाने के लिए, we gather together in a local church to build the body of Christ. कि हम एक साधारण सी कलिसिया के अंदर बने और मसीह के देह को बढ़ाने के लिए। Then we ask ourselves, there are thousands of churches. Which one shall I join? तो आप सोचते हैं कि यहाँ तो हजारों कलिसिया हैं, मैं किस कलिसिया में जाऊँ? It's like going to a station where there are 1,000 trains. Which train shall I get onto? और जैसे आप स्टेशन पे जाएं, हजारों ट्रेनें आपको दिखाई देंगी, लेकिन चढ़ना मुझे कौन सी ट्रेन में है? I look at my ticket. फिर मुझे अपनी टिकट के अंदर देखना है। Ticket says Delhi. और टिकट में लिखा है दिल्ली। So, if there are a few trains going to Delhi, I can get onto them. That will take me to Delhi. और अगर कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो दिल्ली की तरफ जा रही हैं, तो मुझे उसमें चढ़ना है क्योंकि वही मुझे दिल्ली ले जाएंगे। Think of a huge station with 1,000 trains. और ऐसा जरा सोचिए कि एक बड़ा सा स्टेशन है जहां पर हजार ट्रेनें हैं। There may be 10 of them only are going to Delhi. लेकिन केवल मात्र 10 ट्रेनें ही दिल्ली तरफ जा रही हैं। I can get into any one of those 10. मैं उसमें से किसी के भी अंदर जा सकता हूं। Because they are going to Delhi. क्योंकि वे दिल्ली जा रही हैं। How do I know? मैं कैसे इसको जानूं? When I get in, जब मैं अंदर जाऊंगा, I find every hour I'm getting closer to Delhi. तो मुझे पता चलेगा कि हर घंटे मैं दिल्ली के और नजदीक जा रहा हूं। It's like that with churches. और ऐसे ही कलिसियां होनी चाहिए। Today's churches are going in so many different directions. आज की कलिसियां बहुत ही अलग अलग दिशाओं में बढ़ रही हैं। You go there and the direction you get is in a certain way. और आप जाते हैं और आप जो आपको उनके द्वारा जो दिशा मिलती है वह अलग होती है। Some churches you go, they'll tell you how to make more money. किसी कलिसियाओं में आप जाते हैं, वे आपको बताते हैं कि कैसे पैसा और बनाया जाए। That is their goal, that's their destination. उनका यही मकसद है और उनकी यही मंजिल है। That God will give you a better house and a better car and a better job on this earth. कि परमेश्वर केवल इस पृथ्वी पर आपको कैसे अच्छा घर और अच्छी कार दे सकता है। I look at my ticket in Romans 8:29. और जब रोमियो 8:29 से मैं अपनी टिकट को जांचता हूं, See, God has written destination becoming more like Christ. और यहां पर मुझे पता चलता है कि परमेश्वर ने जो मंजिल लिखी है कि कैसे मैं यीशु के समान और बनूं, Not getting a bigger house and a bigger car. और केवल बड़ा घर या बड़ी कार मिलना नहीं लिखा। I don't criticize them. मैं उनको उनकी निंदा नहीं करता। Okay, there are some people who want to travel in that destination. Let them go, but I want to get off that train. अगर कोई ऐसे लोग हों जो उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें जाने दो, लेकिन मुझे इसमें नहीं आगे बढ़ना है। That's not where I'm going. और यह उस दिशा में नहीं जहां मुझे जाना है। I'm looking for a train where I get in and it makes me more like Christ every year. और मुझे उस ट्रेन में सवार होना है जो हर साल यीशु मसीह के समान और आगे मुझे ले जाए। That's the church I want to be a part of because that is my destination. और ऐसी कलिसिया में मुझे रहना है क्योंकि वही तो मेरी मंजिल है। That is where the body of Christ is being built. और यही जगह है जहां पर मसीह के देह का निर्माण होता है। We need to understand the real Jesus. हमें जो वाकई का यीशु है उसे समझना है। You know, in 2 Corinthians, आइए दूसरे कुरिन्थियों में chapter 11, उसका 11 अध्याय, Paul tells the Corinthians. पौलुस कुरिन्थियों को बता रहा है। You know, the Corinthians had so many problems in that church. आप देखिए कुरिन्थियों के कलिसिया में बहुत सारी समस्याएं थी।
They were going to court against each other. वे एक दूसरे को न्याय करने के लिए कोर्ट तक जाते थे. They were very rich. और वे बहुत धनी थे. They were happy with their money. वे अपने धन से बहुत प्रसन्न थे. Only rich people can take you to court. और जो धनवान व्यक्ति हैं वही केवल आपको अदालत में घसीट सकते हैं. Poor people can never take you to court. गरीब आदमी आपको कभी भी अदालत नहीं ले जा पाएगा. That's written in the Bible. बाइबल के अंदर, शास्त्र के अंदर ये लिखा है. It's written in James chapter 2. और याकूब के दो अध्याय में ये लिखा है. Only rich people can take you to court. जो धनवान व्यक्ति है वही आपको अदालत में ले जा सकते हैं. And it's true also. और ये सच भी है. So the Corinthians, many of them were rich people. और कुरिन्थियो जो हैं वह एक धनी लोग थे. They could take people to court. और वे कोर्ट में ले जाने के लिए सक्षम थे. And they were very selfish people when they came with their lunches to the meetings. They wouldn't share their lunch with anybody. They would eat it all themselves. और वे स्वार्थी लोग थे कि जब भी वे सभाओं में आते थे अपना खाना लेकर आते थे, एक दूसरे के साथ बांटने में डांटते नहीं थे. The fellow living in adultery, they say, okay, we are all weak, let him also be part of the church. और एक ऐसा कोई व्यक्ति था जो व्यभिचार में था, वे उसे अनुमति देते थे. वे सोचते थे ठीक है, हम में से हर कोई कमजोर है, वो भी रह सकता है. There were no standards in that church. There were no standards. और वहां पर कोई एक किस्म का ढंग नहीं था. But when they came together, और जब वे साथ में आते, they would all speak in tongues. और वे अन्य भाषाओं में सब एक साथ बोलते. They would all speak in tongues. And there was all confusion in the church. और वहां पर बहुत सारी उलझन थी कलीसियाओं में. And if some unbeliever came in, they think there's a bunch of mad people here. और अगर कोई अविश्वास आता तो वे समझते थे कि ये कोई पागलों का समूह है. It's all written there. What I'm telling you is all written in 1 Corinthians. और जो कुछ मैं आपको बयान कर रहा हूँ ये सारी बातें कुरिन्थियों के पत्री में लिखी है. And Paul says, I know the reason why all these problems are there. और पौलुस कहता है मैं उस वजह को जानता हूँ कि ये सारी समस्याएं किस कारण हैं. 2 Corinthians 11:4. दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 उसका 4. Somebody has come to you and preached another Jesus. यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे. एंड यू रिसीव, यू एक्सेप्ट इट. और अगर आप स्वीकार करें. हु इज दिस डिफरेंट जीसस? कि ये दूसरा यीशु कौन है? जीसस इज अ नेम. यीशु मसीह एक नाम है. देयर आर मेनी जीसस. बहुत सारे यीशु हैं. यू नो इफ यू गो टू स्पेन, देयर आर मेनी पीपल हुज नेम इज जीसस. अगर आप स्पेन में जाएंगे तो आपको यीशु नाम के बहुत सारे लोग मिलेंगे. To Mexico, there are many people there whose actual name is Jesus. अगर आप मेक्सिको में जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे काफी लोग मिलेंगे जिनका वाकई में नाम यीशु है. In South America, there are many people whose name is Jesus. और साउथ अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम यीशु है. So when you say we follow Jesus, और जब आप कहते हैं कि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ, I say which one? तो मैं पूछूंगा कौन सा यीशु? The one in Mexico or Spain? कि जो मेक्सिको में है या स्पेन में रहता है? Or the one in the New Testament? या फिर वह जो नए करार में दर्शाया गया है. How to know which one you are following? कैसे पता लगे कि आप किसके पीछे हैं? One simple test. एक साधारण सी परख है. The one in the Bible, जो शास्त्र में है, it's written in Matthew 1:21. वह मत्ती का एक उसका 21 में लिखा है. That you shall call his name Jesus because he will save his people from their sins. तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों को अपने पापों के दंड से बचाएगा. So the real Jesus is one who saves us from our sins. तो वाकई में जो यीशु है वह है जो हमें अपने पापों से बचाता है. But if you go to a church which talks about Jesus and you're not saved from your sins. लेकिन आप ऐसी कलीसिया में जाते हैं जो यीशु के विषय में बातें तो करती हैं लेकिन पाप को छुटकारे के विषय में नहीं बताते. You are defeated by the same old anger you were defeated 25 years ago. तो फिर 25 साल पहले जिस बात से आप भरमाए गए उसी बात से आज भी आप भरमाए जाते हैं. Or it has become worse. और आप दुर्दशा में होते हैं. And you are still watching internet pornography. और फिर आज भी कंप्यूटर इंटरनेट पे आप अश्लील जो है अश्लीलता को देखते हैं. I say, which Jesus is that? Which Jesus is that? तो फिर कौन से यीशु है ये? That is another Jesus. ये तो कोई और यीशु है. I don't want to be following another Jesus. मैं नहीं दूसरे यीशु के पीछे चलना चाहता. I want to be in a church that gathers around the name of Jesus who saves people from their sins. मैं उस कलीसिया में जाना चाहता हूँ कि जो इस नाम से इकट्ठा हूँ वह नाम यीशु हो जिसने पापों से छुटकारा दिया. Not in the name of Jesus who makes you rich. और उस यीशु के नाम से नहीं जो केवल धनी बनाता है. नॉट इवन इन द नेम ऑफ जीसस हु हील्स यू ऑफ योर सिकनेस. और केवल उस यीशु के नाम से नहीं जो बीमारी से चंगाई देता है. आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं आपको सच में बता रहा हूँ. आई वुड रादर कीप ऑल माय सिकनेसेस एंड बी सेव्ड फ्रॉम ऑल माय सिंस. इवन इफ आई हैव सिकनेसेस एंड आई एम नॉट हील्ड, दैट्स ओके इफ आई एम सेव्ड फ्रॉम ऑल माय सिंस.
अगर मैं अपने पापों से बचाया जाता हूं इसके बावजूद कि मेरे पास चंगा ही नहीं हो और मैं बीमारी रहूं, because sin will never send, sickness can never send me to hell. Sickness can never send me to hell. क्योंकि जो बीमारी है वह मुझे नरक नहीं ले जा सकती. Do you think if you have cancer, you'll go to hell? क्या आप समझते हैं कि अगर आपके पास कैंसर हो तो आप नरक जाएंगे? Or you have the swine flu, you'll go to hell? क्या आपके पास स्वाइन का बुखार हो तो आप नरक जाएंगे? If you have AIDS, will you go to hell? यहाँ आपके पास एड्स हो तो क्या आप नरक जाएंगे? No sickness can send you to hell. कोई भी बीमारी आपको नरक नहीं भेजती. Only sin can send you to hell. लेकिन यह पाप ही है जो आपको नरक ले जाता है. So I am more desirous to be free from sin than I am from sickness. तो मेरे पास ये ज़्यादा इच्छा है कि मैं पाप से मुक्त हूँ इससे पहले कि मैं बीमारी से मुक्त होना चाहूँ. I also want to be healed from sickness. मैं चाहता हूँ कि बीमारी से भी मैं बाहर निकलूँ. That is not number one. लेकिन ये पहले स्थान पे नहीं आता. That is number two. वह दूसरे स्थान पे आता है. I want to be saved from poverty also because I don't want to live on the streets like a beggar. और मैं गरीब में भी नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं गलियों में भिखारी के समान जीऊं. But that is number three. लेकिन यह तीसरा स्थान है. Number one is to be saved from my sin. सबसे पहला स्थान कि मैं अपने पापों से मुक्त रहूं. So I want to be in a church that's helping me to be saved from my sin. और मैं ऐसी कलीसिया में रहना चाहता हूं जो मुझे अपने पापों से छुटकारे के विषय में बताए. And I want to preach in such a way that I can save people from sin. और मैं ऐसा प्रचार करूं कि लोगों को पाप के विषय में छुटकारे के उद्धार के विषय में बताऊं. That is the meaning of preaching in the name of Jesus. और यही बात का मतलब निकलता है कि यीशु मसीह के नाम से प्रचार करना. See, let me show you Matthew chapter 7. मत्ती का 7 अध्याय में मैं आपको बताना चाहता हूं. Now you'll understand this verse better. और अब यहां पर आप इस वचन को और ज्यादा समझ पाएंगे. You have read this verse many times, but today you'll understand it for the first time. आपने यह बहुत सारे समय पढ़ा होगा, लेकिन आज पहली बार आप इस वचन को समझ पाएंगे. So I want to paraphrase it and give you a picture of what happens at the judgment seat of Christ. और मैं आपको एक दृश्य के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि उस यीशु के न्याय सिंहासन के पास क्या-क्या हो रहा है. This is Matthew 7, verse 22 and 23. मत्ती का 7 उसका 22 और 23 पद हम पढ़ते हैं. So they all stand before Jesus. वे सब लोग यीशु के सामने खड़े हैं. And many will come and say, और बहुत सारे लोग आके कहते हैं, Lord, we prophesied in your name. कि परमेश्वर हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की. We cast out demons in your name. हमने दुष्ट आत्माओं को भी तेरे नाम से निकाला. We did miracles in your name. और हमने तेरे नाम से बहुत चमत्कार किए. And Jesus says, और यीशु कहते हैं, in my name, मेरे नाम में, in the name of Jesus who came to save people from sin, क्या उस यीशु के नाम में जो लोगों को पाप से छुटकारा देने के विषय में आया. And verse 23, you lived in sin, और 23 पद में लिखा गया कि तुम खुद ही पाप में जिए. And other people were living in sin, दूसरे लोग भी पाप में जी रहे थे. But in this name, लेकिन इस नाम में, you didn't deliver anybody from sin, तुमने किसी को भी पाप से छुटकारा नहीं दिया. You just delivered them from sickness. लेकिन केवल तुमने उन्हें बीमारी से बाहर निकाला. You just delivered them from demons. केवल दुष्ट आत्माओं से तुमने उन्हें छुटकारा दिलाया. But my name, Jesus, means to deliver them from their sin. लेकिन मेरा नाम यीशु इस बात को मायने रखता है कि आप उन्हें पाप से बाहर निकाल दें. What did you prophesy in my name? तो फिर क्या आपने मेरे विषय में मेरे नाम से भविष्यवाणी की? Did you understand my name at all? क्या आपने मेरे नाम को जान भी पाए कि उसका मतलब क्या है? And their mouth will be shut. और फिर उनका मुंह बंद हो गया. Because the meaning of that name was written in the first page of their Bibles. क्योंकि उस of their New Testament. उनका जो नाम का मतलब है वह नए करार के पहले ही पन्ने में लिखा हुआ है. They can't say we didn't know the meaning of your name. वे ऐसा नहीं कह सकते कि यीशु हम तेरे नाम का अर्थ ही नहीं जानते. The Lord will say it's in the first page of your New Testament. How can you say you didn't know the meaning of it? क्योंकि परमेश्वर उनसे कहेगा कि तुम्हारे नए करार के पहले पन्ने में उसका मतलब है. तुम कैसे कह सकते हो कि उसका अर्थ हमें नहीं पता? Even if people have not read the New Testament, at least they read the first page. हो सकता है लोगों ने नया नियम पूरा ना पढ़ा हो, लेकिन इतना तो उन्होंने पहला पेज तो पढ़ा ही होगा. You don't have to go past the first page to know the meaning of the name of Jesus. You don't have to go past the first page. और आपको पहले पन्ने को उड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहीं पर उसका मतलब लिखा है. And so how can you say in your name we did all the other things? और कैसे आप कह सकते हैं कि तेरे नाम में हमने सारी इन बातों को दूसरे को किया? In your name we never delivered anybody from sin, but we taught them how to make money. कि तेरे नाम से हमने लोगों को पापों से छुटकारा नहीं दिया, लेकिन और सारी चीजों से छुटकारा मिला. And in your name we passed a bag around and collected money from people. तेरे नाम से ही हम लोगों ने थैलियां घुमाई और लोगों से धन इकट्ठा किया. Where do you think Jesus is going to send all these deceiving preachers? आप सोचिए जरा, इन सारे धोखा देने वाले प्रचारकों को यीशु कहां पर भेजेंगे? The Lord says verse 23, get away from here. और 23 पद में ऐसा लिखा गया है कि मुझसे दूर चले जाओ. You never knew my name. आप नहीं जानते मेरे नाम को.
I never knew you. और मैं तुम्हें नहीं जानता. It's a very serious thing. पर ये बहुत गंभीर मुद्दा है. These people are not building the church. ये लोग ऐसे हैं जो कलीसिया को नहीं बनाते. What is the church? कलीसिया क्या है? Matthew 16. मती 16. Sorry, 18. और उसका 18 पद. No, Matthew 18. मती 18. Verse 20. उसका 20 पद. Here's a Jesus definition of a church. और यीशु मसीह कलीसिया का जो व्याख्यान करते हैं. Whether it's two or three people or 100 and 120 people. जहां पर दो या ज्यादा हैं या फिर 120 लोग हैं. They must gather together in my name. उन्हें मिलना है मेरे नाम से. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Which means being saved from sin. इसका मतलब है कि पापों से छुटकारा पाकर. Lord, we have come together in your name. हम तेरे नाम से और करीब आते हैं एक दूसरे के. In every church in the world, I've heard people say, "Oh Lord, we are gathered in your name." और हर एक कलीसिया में मैं देखता हूँ संसार के अंदर लोग कहते हैं यीशु तेरे नाम से हम इकट्ठा हुए हैं. Do you fellows know the meaning of that name? क्या आप फिर यीशु के नाम का अर्थ भी जानते हैं? You say you're gathered together in the name of Jesus. आप कहते हैं कि यीशु के नाम से हम इकट्ठा होते हैं. Which Jesus? कौन सा यीशु? The Jesus mentioned in Matthew 1:21 or another Jesus? क्या जो मती 1:21 में दर्शाया गया यीशु है या फिर कोई दूसरा यीशु? Have you gathered together in the name of one who came to save us from all our sins? क्या आप उस यीशु के नाम से इकट्ठा हुए जो हमें सारे पापों से शुद्ध करने के लिए आया? It's only there that the body of Christ is built. और यहीं पर केवल आकर मसीह का जो देह है वह निर्माण होता है. So many other people, they just use the name of Jesus, Jesus. बहुत सारे लोग केवल यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु, यीशु. I don't know whether that is Jesus in Spain or Mexico or which Jesus it is. मैं नहीं जानता वह कौन से यीशु के विषय में बात करते हैं जो स्पेन या मेक्सिको में है या फिर और किसी यीशु के. There are so many Jesuses in the world. क्योंकि संसार में बहुत सारे यीशु हैं. But there's only one Jesus who saves people from their sins. लेकिन यहाँ पर केवल एक ही यीशु है जो लोगों को पापों से छुटकारा देता है. That's the one Joseph. Gabriel told Joseph about in Matthew 1. और यहीं पर जो है यूसुफ जो है कहता है मती 1 अध्याय के अंदर. No, Gabriel told Joseph. और यहीं पर जो यूसुफ को जिब्राइल आके कहता है. That is the real Jesus. यही वाकई का मसीह है, यीशु है. I can easily find out whether I am following the real Jesus or an imaginary Jesus. और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं वाकई में यीशु को पीछे कर चलता हूँ या फिर जो मैं सोचता हूँ उस यीशु के पीछे जा रहा हूँ. Am I being saved from my sin? Am I being saved from my sins? क्या मैं अपने पापों से छुटकारा पाया हूँ? So Paul tells the Corinthians. इसके लिए पौलुस जो है वह कुरिन्थियन को कहता है. This is the reason for all your problems. यही एक समस्या है तुम्हारे सारे. यही वजह है तुम्हारे सारे समस्याओं की. You are singing songs to Jesus, but is it some other Jesus? तुम यीशु को गीत तो गाते हो लेकिन वह यीशु कोई और है. You are gathering together in the name of Jesus, but it's some other Jesus. आप यीशु के नाम से इकट्ठा तो होते हो लेकिन वह यीशु कोई और है. But Paul says we preached the real Jesus. लेकिन ये पौलुस कहता है कि हम लोग जो सच्चा यीशु है उसको प्रचार करते हैं. 2 Corinthians 11:4 again. और दूसरा कुरिन्थियन 11:4 हम फिर से पढ़ते हैं. If somebody comes to you and preaches another Jesus whom we have never preached. यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया. Which is the Jesus that Paul preached? कौन से यीशु को पौलुस प्रचार करता था? One who can save you from your sins. वह जो पापों से छुटकारा देता है. One, Paul said, sin will not have dominion over you when you come under the grace of this Jesus. और पौलुस कहता है जब तुम इस यीशु के अनुग्रह के अंदर आओगे तो पाप तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा. Dear brothers and sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, don't glory in the fact that I go to this church or that church. और इस बात के अंदर यकीन केवल संतुष्ट मत रही कि मैं इस कलीसिया या उस कलीसिया में जाता हूँ. Some people can say, oh, we are connected to CFC. We are connected with CFC Bangalore, some people say. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बैंगलोर में जो सी एस सी है हम उसके साथ में जुड़े हैं. That's like the Jews who told John the Baptist, our father is Abraham. जिस तरीके से यहूदियों में से कुछ ने कहा यीशु को कि हमारा to पिता John तो है, to John the Baptist. कुछ यहूदियों ने जैसे यहूना बपतिस्मा को कहा कि हमारा पिता तो so please baptize me. हमारा पिता स्वर्ग में, इसलिए हमें जो है no, तो बपतिस्मा our father is Abraham. हमारा पिता इब्राहिम है, इसके लिए हमें बपतिस्मा दे. John the Baptist said no. So what if your father is Abraham? तो उसने कहा नहीं, क्या होता है तुम्हारा पिता अगर इब्राहिम हो? You don't repent, I won't baptize you. जब तक तुम पश्चाताप नहीं करते मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दूंगा. We should not glory
in being connected to some godly man like Abraham. और हमें इस बात में महिमा नहीं लेनी कि हम किसी के साथ में जुड़े हुए हैं, भले वह इब्राहिम हो. Are you being saved from your sins? क्या आप अपने पापों से उधार पाए हुए हैं? Otherwise we can glory in the wrong thing. नहीं तो फिर हम गलत दिशा में महिमा लेंगे. Oh, we're not like other churches. Oh, हम तो अलग कलीसियाओं के समान नहीं. We like the Pharisee who say, Lord, I thank you, I'm not like that church and that church and that church. फरीसी जिसे कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं उस कलीसिया के समान तो नहीं हूं. But if you're not being saved from your sin, what's the use of that type of empty glorying? अगर आप पापों से क्षमा नहीं पाए हुए हैं तो फिर आप केवल खाली जो है महिमा दे रहे हैं. There's a lot of that in Christendom. A lot of that foolish type of boasting. और बहुत सारी मूर्खता की ऐसी बातें जो हैं आज हैं. Let me read to you now John chapter 14 verse 12 again. और फिर से एक बार हम योहन्ना का 14 अध्याय उसका 12 पद को पढ़ते हैं. In John 14:12 he says, if you believe in me you will do greater works than I have done. अगर तुम मुझ में विश्वास करोगे तो वे काम करोगे जो मैं करता हूं, पर इससे भी बड़े काम करोगे. Not only the works I have done. जो केवल मैंने किया है उतने ही नहीं. Greater works than I have done. मुझसे भी अधिक बड़े कार्य. What is the greater work than Jesus did that we can do? कौन से बड़े कार्य हो सकते हैं जो यीशु मसीह ने किए उनसे? Are we going to feed 10,000 people with 5 loaves of bread? क्या हम 5 रोटियों में से 10,000 लोगों को खिला सकते हैं? Or are we going to raise somebody from the dead who was buried 10 days ago? या फिर 10 दिन मरे हुए दबाए हुए व्यक्ति को हम जिंदा कर सकते हैं? What is the greater work which Jesus could not do? और क्या इस बात का मतलब है कि और बड़े कार्य जो यीशु मसीह नहीं कर पाया? I've never heard of any believer who has raised somebody who was buried 3 days ago. मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने उस व्यक्ति को जिंदा किया हो जो जिसको दफनाए हुए 3 दिन हो चुके हों. Jesus did it. यीशु ने किया. In the history of the world nobody has done it. और इस संसार के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया. Even the apostles did not do it. और किसी प्रेरित ने भी नहीं किया. The apostles raised up people from the dead who were died a few minutes or hours ago. और प्रेरित भी केवल उनको ही जिंदा कर पाए जो कुछ समय मिनट पहले मरे थे. How can you do a greater work than Jesus? तो फिर कैसे यीशु से बड़े कार्य हम कर सकते हैं? He's not talking about the quantity of miracles. और कितने अधिक चमत्कार हम करते हैं उसके विषय में यह नहीं बात करता. He's talking about something that he himself could never do when he was on the earth. यह उस विषय में कहता है कि जब पृथ्वी पर रह के वह नहीं कर पाया उन विषयों में. Telling his disciples, after I go, और वह अपने शिष्यों को कहता है कि जब मैं चला जाऊंगा, you fellows will be able to do something which even I could not do when I was on the earth. कि तुम मेरे बाद में ऐसे कार्य करोगे जो जमीन में रहने के बाद मैं खुद नहीं कर पाया. What was it that Jesus could not do on this earth? और यीशु मसीह कौन से कार्य यहाँ पर नहीं कर पाए? Only one thing. एक ही चीज. He could not make his 11 disciples into one body. वह 11 शिष्यों को एक देह के अंदर नहीं ला पाया. They were all individuals fighting with each other. वे सब अलग-अलग थे और एक दूसरे के साथ में विरोधी थे, लड़ते थे. Last night after dinner they were discussing who is greater, you or me. और आखिरी रात भी भोजन के बाद वे आपस में वाद-विवाद करते थे कि हम में से कौन बड़ा है, तू या मैं. He could not make them one. वे उन्हें एक नहीं कर पाए. He could not make them humble to say, okay, you go ahead, you be the leader, I don't want to be the leader. वह उन्हें इतना नम्र नहीं कर पाया कि वे आपस में कहते कि भाई आप मुझसे अधिक हैं, आप पहले चले जाएं. So they could never become one. और वे एक नहीं हो पाए. Those 11 people came together, everyone was fighting to be the leader. 11 लोग आते हैं और इसी बात में लड़ाई करते हैं कि कौन प्रमुख है. But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, when I go, जब मैं जाऊंगा, and the Holy Spirit, I send the Holy Spirit, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, the Holy Spirit will come inside all 11 of you. पवित्र आत्मा तुम में से हर एक 11 के अंदर आएगा. Then something will happen which cannot happen now. और फिर एक कोई ऐसी चीज होगी जो अब नहीं घटी है. You will become humble. तब आप नम्र बनेंगे. You will become one. तब आप एक होंगे. You will not compete for leadership. और फिर आप अगुवाई के लिए नहीं लड़ेंगे. It's not because Jesus was powerless. और इसलिए नहीं कि यीशु के पास सामर्थ्य नहीं था. It's because they didn't have the Holy Spirit. और इसलिए कि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था. So they could not become one. इसलिए वे एक नहीं हो पाए. But we can do it today. लेकिन आज हम कर सकते हैं. Not because we are greater than Jesus. इसलिए नहीं कि हम यीशु से और अधिक हैं. But because now people can receive the Holy Spirit.
क्योंकि अब लोग जो हैं वह पवित्र आत्मा को पा सकते हैं इसलिए। That is the greater work Jesus said you will be able to do, which even be greater than what I have done. और यही अधिकतम कार्य है जो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बात कर सकोगे। So I learned from there. और फिर वहां से मैं सीख पाया। That the greatest work I can do for Jesus on this earth today is to build His body. कि आज यीशु से अधिक कार्य जो बड़ा कार्य मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि उसके जो देह है मैं उसको बनाऊं। Not just bringing souls to Christ, केवल यीशु मसीह के पास आत्माओं को जीतना नहीं, that is necessary, ये तो जरूरी है, but then those souls must be built to become one, लेकिन फिर ये सारी जो आत्माएं हैं वे एक हों। See, before this building was built, देखे जब इससे पहले कि ये जो इमारत है इसको बनाया जाता, say a lorry brought 10,000 bricks here, और जो ट्रक है उसके अंदर 10,000 ईंटें यहाँ पर लाई गई, that is evangelism, यहाँ पर मान लीजिए इसको सुसमाचार के रीति से bringing those 10,000 believers, 10,000 विश्वासों को लाना, but that is not a building, लेकिन ये इमारत नहीं। So the mason took those 10,000 bricks and one by one and made a building, that's why we can sit here, और बनाने वाले ने एक 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 लेकर उसको वहां पर रखा और उसको बनाया और आज हम इस इमारत में बैठ पाते हैं। So that is what we are to do with people who are converted, और जो लोग बदल गए हैं हमको उनके साथ यही करना है, to make them one like this building is one, और जैसे ये इमारत एक है हमें भी उन्हें एक करना है। Once upon a time, all these buildings, all the bricks in this building were all loose bricks. और एक समय था जब यहाँ पे जो ईंटें गाड़ी गई हैं वे अलग अलग थे। But today they're not loose bricks. लेकिन आज वे अलग नहीं है, वे जुड़े हुए हैं। वे एक हैं। They become one house. एक घर बन चुके हैं। That is what Jesus said, I cannot do now because the Holy Spirit has to come. और यही यीशु कहते हैं कि मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा वह करेगा। Now, many churches, बहुत सारी कलिसियाओं में, are like those 10,000 bricks lying on the road. मैं देखता हूं कि वे 10,000 जो ईंटें हैं वे वहीं पर सड़क पर पड़ी रहती हैं। And the evangelists are like the lorries going and bringing more bricks, more bricks, more bricks. और सुसमाचार बताने वाले जो हैं वे जाते हैं बाहर और ज्यादा ईंटें लेकर आते हैं। Yeah, that bricks are necessary to build the building. जरूरी है ईंटें क्योंकि इमारत के लिए वे चाहिए। But that's not a building. But that is not a building, a pile of bricks. लेकिन जो खाली ईंटें हैं वे इमारत नहीं बन सकते। Nobody can live inside that. उनके अंदर कोई रह नहीं सकता। And not only that, और इतना ही नहीं, you know what will happen in India if you keep 10,000 bricks on the road for one month? और क्या होगा अगर आप एक महीने तक उन 10,000 ईंटों को खुला सड़क पे छोड़ दो? It will gradually become 9,500. और थोड़े समय के बाद वे 9,500 हो जाएंगे। And 9,000. फिर 9,000. And 8,000. 8,000. And after a few months, it will be zero. और फिर कुछ महीनों के बाद वे खत्म हो जाएंगे। That is the problem when you don't build them. और यही समस्या है जब आप उनका निर्माण नहीं करते। But the 10,000 bricks in this room, nobody can steal, not even one. और अगर 10,000 ईंटें यहाँ पर कमरे में गाड़ी गई हैं, उनको कोई चुरा नहीं सकता। If you build the body of Christ, there's no such thing as sheep stealing, like some people say. और अगर आप मसीह के देह का निर्माण करते हैं, तो फिर आपकी भेड़ों को कोई चुरा नहीं सकता। How can they steal a brick from here? और यहाँ से वह कैसे ईंट को निकाल सकता है? So when people, some pastor says, "Hey, you stole somebody from my church." और फिर कुछ पासवान कहते हैं, अरे आपने मेरी कलिसिया में से इसको चुरा लिया। That's because you kept it on the roadside as individual bricks. That's why they stole it. उस वह चुरा पाया क्योंकि आपने उसको उस ईंट के समान सड़क पे खुला छोड़ दिया था। I have never complained in 34 years that anybody stole my bricks. मैंने 34 साल में कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की कि किसी ने मेरे उस ईंट को ले लिया। We are building a building. How can you steal it? क्योंकि हम एक इमारत को बना रहे हैं, कैसे आप उसको चुरा सकते हो? But you know, it's much easier to collect bricks and drop it on the roadside than to actually build a building. और इस बात को मुश्किल है कि जो आप वहां से सड़क से आप ईंटों को उठाएं और इस इमारत को बनाएं। This is more difficult. यह बहुत ही मुश्किल But है। But just leave it there to collect it from somewhere and put it on the road is easy. और कहीं से आपने उसको इकट्ठा किया और आके रास्ते पे जमा किया, यह आसान है। A lorry can do it in 2-3 hours. A lorry can do that in 2 or 3 hours. 2 या 3 घंटे में कोई भी ट्रक आके उसको उतार सकता है। But to build a building like this, it takes 2 or 3 months. लेकिन फिर इस तरह की इमारत बनाने के लिए उसमें से ही 2 या 3 महीने चाहिए। So I want to be in a church where they are building people together to become one. और फिर मैं ऐसी कलीसिया में रहना चाहता हूँ जो लोगों को आपस में उस देह को बनाने में काम करती है। Not just like a pile of bricks on the roadside. और केवल ऐसा ही नहीं कि ईंटों का जो झुंड है वह वहीं पर रास्ते पर पड़ा हो। And it's very difficult to build people into one. और बहुत मुश्किल है लोगों को एक साथ में मिलाना। Because the devil is always trying to bring division. क्योंकि शैतान हमेशा प्रयास करता है बीच में फूट डालने का। If you want to know how difficult it is for two people to become one, अगर आप जान पाए कि दो लोगों का एक बनना कितना मुश्किल है, go and ask any husband or wife. फिर आप जाइए और पति और पत्नी से पूछिए। We need to be filled with the Holy Spirit.
आपको पवित्र आत्मा से भरे रहने की जरूरत है। We are filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, and you take up the cross, और फिर आप जब क्रूस उठाएंगे, and die to yourself, और आप अपने में मरेंगे, God can make 2, 3, 30, 40 people one. तब परमेश्वर 2, 3, 5, 40 को एक कर देगा। That's the body of Christ. यह है मसीह की देह। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to take seriously what we have heard. जो कुछ हमने सुना है उसको गंभीरता से लेने के लिए हमारी सहायता करें। Thank you for the tremendous privilege to build the body of Christ. और आपके उस सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो मसीह के देह को बनाते हैं। Help us to do our small part to build that body. और हमारे छोटे से योगदान के लिए आप मदद दें ताकि हम उस मसीह के देह को बना पाएं। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन। आमेन।